नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज, नजर हर खबर पर। लेकिन पानी हमेशा लगा रहता है। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, योगी जब जब करता है, पुलिस भी हमसे डरती है। जिलाधिकारी वाराणसी, जब तक विद्यालय न प्रारंभ हो तब तक के लिए फीस माफी के संबंध में, महोदय संपूर्ण विश्व इस समय कोरोना महामारी की चपेट में आई भारी गिरावट से आर्थिक तंगी के दौर में गुजर रहे हैं। ऐसे में दो वक्त की रोटी लोगों के लिए समस्या का विषय बना हुआ है। ऐसे में निजी विद्यालयों द्वारा स्कूल बंद होने के बावजूद फीस मांगकर अभिभावकों पर अपनी दबाव बनाया जा रहा है, जिसका समाजवादी पार्टी विरोध करती है। अतः आपसे निवेदन है कि निजी स्कूलों पर उचित कार्रवाई कर इस वर्ष फीस माफ कराने की कृपा करें। ज्ञापन को आपके शासन तक पहुंचा दिया जाएगा और आपकी बात शासन में रखी। बहुत बहुत आभार आपके। आप लोगों ने शांति पूर्वक ये प्रदर्शन किया, इसके लिए आप अमन यादव, सक्रिय कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी। आज यहाँ पे आप किस तरह का किया था? आज हम लोगों ने जो समाजवादी पार्टी मेरा कानपुर में मुहिम चला रही है नो क्लास नो फीस, उसी के तहत आज हम लोगों ने सामने घाट लंका होते हुए जिला मुख्यालय तक जाने का हम लोग का प्रोग्राम है। नो क्लास नो फीस को सीएम साहब को ज्ञापन देना। आपको हम बताना चाहते हैं कि इस समय कोरोना काल में जो है कि जनता के लिए दो वक्त की रोटी खाना मोहताज हो गया है। इस आपदा की घड़ी में यह निजी विश्वविद्यालयों द्वारा लगातार मैसेज द्वारा, फोन के द्वारा अभिभावकों को फोन कर करके परेशान किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है फीस के लिए। हम डीएम साहब से निवेदन करना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि यह शिक्षा के नाम पर लूटपाट बंद होनी चाहिए। हम समाजवादी साथी लोग सामने घाट से आए हैं, जो ट्रामा सेंटर का मुख्य मार्ग है, आप देखिए घुटने भर पानी, कल का बारिश हुआ है उस पानी में से हम लोग चल कर आए हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मोदी जी का सबसे क्षेत्र है वो भी एकदम नरक हो गया है। हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे हैं तो पुलिस द्वारा
पुलिस द्वारा हम लोग को डराया धमकाया जा रहा है, जबरन रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हम समाजवादी लोग डरने वालों में से नहीं है।